नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। सुच्चा सिंह छोटेपुर के निशाने पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल रहे। छोटेपुर ने SYL के मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर घेरा। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने केजरीवाल पर निशाना लगाते हुए पंजाब वर्सेस बाहरी का नारा देने की कोशिश की है। पंजाब परिवर्तन यात्रा अमृतसर पहुंचने पर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने समर्थकों को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने सूबे की जनता से बाहरियों को पंजाब से बाहर का रास्ता दिखाने को कहा। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने बिहार चुनाव का उदाहरण दिया और दावा किया कि पंजाब की जनता दिल्ली से आए नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके निशाने पर आज भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी रही। प्रधानमंत्री मोदी बिहार दे विच पत्ती कॉन्फ्रेंसा कीतियां उन्हें, उन्हां कहा लालू चंगा या माड़ा, लालू बिहारी है, नीतीश चंगा जा माड़ा, ये बिहारी है, असी बिहारी चाहते हैं, असी मारी नहीं चाहते। निके निके बच्चों ने एक नारा लाया सी, पंजाब पंजाबियों का ना, दिल्ली का ना शराबियों का, ये पंजाब के बहादुर लोग है तुहाडे सामने। इसके बाद सुच्चा सिंह छोटेपुर ने SYL के मसले पर केजरीवाल के दोहरे स्टैंड को लोगों के बीच रखा। छोटेपुर के मुताबिक केजरीवाल ने पार्टी में सूबे के नेताओं का कद बढ़ने नहीं दिया। केजरीवाल कह दिंदा SYL जिहड़ी नहर है ये निकल नहीं दित्ती जाएगी। जदों हरियाणा च जांदा उदों कहिंदा पानी सानूं चाहिदा, अपने पोस्टर बना लैंदे सी, दिल्लियों केवल एक लीडर की फोटो आती सी। वो यारो दूजिया पार्टियां भी हैं, वो अपने अपने लीडर स्टेटा च प्रमोट करते हैं, इन्होंने स्टेट दे विच किसी लीडर नू प्रमोट नहीं होने दिता। छोटेपुर की माने तो केजरीवाल SYL के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा की जनता को गुमराह करते आ रहे हैं। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर काम करने के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। अमृतसर में पंजाब परिवर्तन यात्रा के लिए पहुंचे सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि जल्द ही पंजाब के चंगे दिन आने वाले हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह और बैंस ब्रदर्स के साथ खड़े होने के साफ साफ संकेत दिए हैं। पंजाब में सियासत का नया चौथा फ्रंट और मजबूत होगा। पंजाब में केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने चौथे फ्रंट में जाने के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। छोटेपुर के मुताबिक जल्द ही पंजाब के लिए चंगा होगा। पंजाब में चंगे लोग एक साथ आएंगे। पार्टी को लेकर छोटेपुर ने कहा है कि ना पार्टी छोटेपुर की होगी और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू की, सब पंजाब के लिए काम करेंगे। पंजाब दे चंगे दिन आउणगे, जिहड़े चंगे लोग है पंजाब दे विच, जिहड़े अपने वास्ते नहीं पंजाब वास्ते जीना चाहुंदे है, पंजाब वास्ते कुछ करना चाहुंदे अपनी जिंदगी च, उहनां सारे लोकां नूं इकट्ठे करांगे। ना सिद्धू दी पार्टी है, ना छोटेपुर दी पार्टी है, पंजाब दे सारे लोकां दे ख्यालां दी तर्जमानी करनी है, असीं सब नूं नाल लै के चलना। छोटेपुर ने संकेत तो दे दिए लेकिन खुलकर ऐलान नहीं किया। छोटेपुर शुक्रवार के बाद अपनी अगली रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। तो कल तो बाद दस देवांगा, फिर बेटा छोटे वीर वो तानू भी पता वा, मैनू भी पता वा, ना मैनू को पवाओ, फिर मेरा लोगों को जान का कोई करी रह जाती, फिर लोग कहेंगे मैं छोटेपुर ड्रामा जहा कर रहा, लोगों से जानता दिन तो कर दा गया, कल तो बाद मैं जो पुछोगे बिल्कुल कोई गल कहांगा नहीं। सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा का कल आखिरी दिन है, उसके बाद सुच्चा सिंह छोटेपुर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ जीवन रामगढ़, जी मीडिया।
चंडीगढ़ में आज पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। आगामी दिनों में पंजाब कांग्रेस ने जिला स्तर पर बैठक और घर घर कांग्रेस अभियान पर जोर देने की रणनीति का ऐलान किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है, जिसकी खातिर चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी हलकों में 1400 बैठकों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। एक हलके में लगभग 10 बैठकों का आयोजन होगा, साथ ही घर घर कांग्रेस अभियान पर भी काम किया जाएगा। जिथे साढ़े 1400 के करीब मीटिंग ने 13 हल्कों के, हर हल्के 10 मीटिंग, सो वी विल बी डूइंग असी 50 हल्के 50 मीटिंग डेली कवर होंगी, और ये माहौल नैचुरली बनूगा। ये शहर से अपना नुक्कड़ मीटिंग कह दें, ये बाहर दी मीटिंग पिंड दियाँ, तो फाइनली असी इस तो बाद फिर होर इंटेंसिव करा घर घर के कांग्रेस, उस तो बाद फिर जाऊगी अपने बड़े जलसियां, जब इलेक्शन आ जाने नेड़े। मीडिया से मुखातिब हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूनिवर्सिटी में शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चिंता जाहिर की है, साथ ही डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के आरोप का जवाब देते हुए पलटवार किया। एक कुछ यूनिवर्सिटीज ने जिथे एक बंदे की प्लेसमेंट नहीं हो रही, सो एजुकेशन लेवल बड़ा लो है, जब बीए लड़कियां एमए नु पढ़ा रही ने, तो हाउ डू एक्सपेक्ट देम टू पास। दसो मैनू सुखबीर बादल ने कोई कट किया अपने पिछले 10 साल च? बिजनेस ही बिजनेस, साडा बिजनेस दिखा दो किथे है। शिक्षा के स्तर को लेकर भी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ संदीप अरोड़, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे लेकर आरोप लगाया कि सदन में कांग्रेस नेताओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिए जाने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके लिए जिम्मेदार विधानसभा स्पीकर को ठहराया है। पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव गिरने को लेकर दो दिन तक सियासी ड्रामा चला। उस घटनाक्रम को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने विधानसभा स्पीकर और सीएम बादल को निशाने पर लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक प्रस्ताव स्वीकार होने की सूरत में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए था, जिसे सुनिश्चित करना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है, जो विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं निभाई। जदों तुसीं अपना एडमिट कर लो किसी मोशन नूं, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दिस स्पीकर टू अलाउ अ डिबेट। जब तुसीं डिबेट नहीं अलाउ करदे, और क्यों स्पीकर ने नहीं की? स्पीकर जिहड़ा कह रहा इंडिपेंडेंट, बादल कहता इंडिपेंडेंट, सब उह बोलण दीआं गल्लां हुंदीआं ने। मैं नहीं चीफ मिनिस्टर आ, मैनूं नहीं पता कि मेरा रिश्ता विद स्पीकर की सी। कोई स्पीकर नहीं मूव करता जब तक चीफ मिनिस्टर नूं नहीं पुछदा। इहने कहा होणा कि असीं डिस्कशन, साडी बदनामी हो जूगी, साडे लोक साडे खिलाफ़ गल्लां करनगे, इस करके नहीं कीतीआं। जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के प्रकरण को लेकर कैप्टन ने अकाली विधायक विरसा सिंह वलचोहा को घेरने की कोशिश की। कैप्टन के मुताबिक वलचोहा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जेडे उन्हें शब्द वर्ते ने बिल्कुल गलत शब्द ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अंडर द लॉ ही कैन बी अरेस्टेड एंड ही शुड बी अरेस्टेड। जाति सूचक शब्द मामले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि इसके लिए विरसा सिंह वलचोहा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया। कैक की रिपोर्ट में पंजाब के कई विभागों में बड़े पैमाने पर खामियां पाई गई हैं। इस रिपोर्ट में सरकारी और गैर सरकारी 6 विभागों की समीक्षा की गई। कैक की रिपोर्ट में भरोसा करें तो पंजाब सरकार केंद्र सरकार की तरफ से मिली ग्रांट को पूरी तरह से भुनाने में नाकाम रही है। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की, जो कि विधानसभा की अकाउंट्स कमेटी को सौंपी गई। ऑडिट टीम ने इस रिपोर्ट में सरकारी विभागों में आने वाले 6 सरकारी और गैर सरकारी विभागों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य पेश किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब के कई सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिल रही, और करीब 54,000 बच्चों को मिड डे मील की सुविधा नहीं मिल रही।
रिपोर्ट में ये तथ्य उजागर किए गए कि कई कॉलेजों में यूजीसी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऑडिट टीम का कहना है कि 81 कॉलेजों में से 6 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर ग्रेजुएट अध्यापक पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं की क्लास ले रहे हैं, जबकि कई कॉलेज ऐसे हैं जहां ऑडिट टीम को अंदर ही नहीं जाने दिया गया। उसमें हमने देखा कि 6 प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे ग्रेजुएट जो खुद ग्रेजुएट्स हैं वो टीच कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस। हमने पीसीज जो प्राइवेट कॉलेजेस थे वो हमने 81 सेलेक्ट किए थे, हमारा सैंपल साइज 81 का था, लेकिन 81 में भी हम सब में जा नहीं सके। जैसे मैं हमने आपको बोला प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे थे जहां पे उन्होंने हमारी टीम को आने नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार केंद्र की तरफ से मिलने वाली ग्रांट को पूरी तरह से इस्तेमाल करने में नाकाम रही। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पंजाब सरकार केंद्र से मिलने वाली ग्रांट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करने में फेल रही है, जिसकी वजह से पंजाब सरकार को केंद्र से मिलने वाली पूरी ग्रांट नहीं मिल पाई। पंजाब सरकार को जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। वो इसीलिए नहीं मिला कि वो 719 करोड़ है जो पंजाब सरकार को नहीं मिला, वो इसीलिए नहीं मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम रिलीज किया, क्योंकि उस अमाउंट का ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे सके, मतलब उतना पैसा ये खर्च नहीं कर सके, तो वो यूसीज नहीं दे सके, इसलिए भारत सरकार ने आगे इनको पैसा रिलीज। रिपोर्ट में दावा है कि सरकारी समर्थित स्कूलों में 54,000 बच्चे मिड डे मील की सुविधा से महरूम है। जगदार भोलर के साथ यहाँ शर्माजी मीडिया छत्तीसगढ़। पंजाब महिला आयोग संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को तलब करेगा। 29 सितम्बर को फिरोजपुर की पूर्व आम आदमी पार्टी की नेता अमनदीप कौर को भी बुलाया गया है। पंजाब महिला आयोग ने टिकटों के नाम औरतों के साथ हुए शोषण के इल्जाम में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को समन करने की तैयारी शुरू कर दी है। महिलाओं से शोषण के मामले में देवेंद्र सहरावत से पूछताछ के बाद अब पंजाब महिला आयोग पंजाब प्रभारी संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को तलब करने की तैयारी में है। आयोग ने फिलहाल फिरोजपुर के पूर्व आप नेता अमनदीप कौर को मामले में पूछताछ के लिए 29 सितंबर को तलब किया है, जिसके बाद आयोग में पेशी की बारी होगी संजय सिंह और दुर्गेश पाठक की। आपको बता दें कि कभी आम आदमी पार्टी में रही अमनदीप कौर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 62 औरतों के साथ शोषण का आरोप लगाया है। वहीं आयोग के सामने पेश हुए देवेंद्र सहरावत की सुरक्षा के मामले पर परमजीत कौर ने कहा कि इस बाबत आयोग ने पंजाब पुलिस को पत्र लिखा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत महिला आयोग में अपनी सफाई पेश कर चुके हैं। इससे पहले पंजाब राज महिला कमीशन के सामने आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने संजय सिंह और दुर्गेश पाठक का नाम दोहराया था। जगतार बुलर, जी मीडिया, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीसी चुनाव में सहजधारियों के वोटिंग अधिकार को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पार्लियामेंट से गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन बिल को आधार बनाते हुए किया है। सहजदारी सिखों को अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में हिस्सा लेने और वोट डालने का अधिकार नहीं रहा है। 2011 में एसजीपीसी की तरफ से चुनी गई नई कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक अब हट गई है। एसजीपीसी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से सहजदारियों को वोटिंग अधिकार मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सहजदारियों को एसजीपीसी चुनाव में वोटिंग के अधिकार को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला पार्लियामेंट की तरफ से गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन के बाद सुनाया। पार्लियामेंट ने सहजधारियों को वोटिंग अधिकार खत्म करने वाले बिल को पास किया था। वहीं अब ये भी साफ हो गया है कि 2011 में चुनी गई कमेटी ही काम करेगी। के जो पार्लियामेंट में पिछले दिन ही अमेंडमेंट हुई थी सहजधारी सिखों के वोट अधिकार को खत्म करने की, उसके चलते हुए जो इलेक्शंस हुई थी एसजीपीसी की पिछली 2011 की, वो इलेक्शन सेट असाइड की गई थी सुप्रीम कोर्ट से, आज वो बहाल कर दी गई हैं। और सहजदारी सिखों का जो वोटिंग राइट पार्लियामेंट ने खत्म किया था वो आज खत्म माना जाता है। उदे बाद जेडे स्कीम ऑफ एक्ट के हिसाब के नाल जो भी अगे कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप है गे वो लिते जाएंगे। उदे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक महीने के अंदर अंदर नोटिफाई करना है, मीटिंग कॉल करनी है, तो मीटिंग कॉल करके जेडे एग्जीक्यूटिव कमेटी उदा इलेक्शन होना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहजदारी फेडरेशन ने दुख जताया है। फेडरेशन का कहना है कि इसके साथ सिख भाईचारा दो हिस्सों में बंट जाएगा। लाख के करीब जो सिख हैं, जो रहत मर्यादा नहीं रखते, जो दाढ़ी केस काटते हैं या
चाहे सिख परिवारों में पैदा हुए हैं, जिन्हें मर्दमशुमारी सेंसस रिपोर्ट सिख मानती है, उन्हें एसजीपीसी और जो श्रोमणी अकाली दल है उनकी तरफ से सिख नहीं माना जा रहा है। एक बहुत बड़ा विवाद जो है ये पंजाब में खड़ा हो गया है। अब 2011 को चुने गए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो नए सदस्य हैं वो नए हाउस का गठन करेंगे, नई कार्यकारिणी का भी गठन होगा और इसके साथ ही साथ नए सदस्यों के पास नया प्रधान चुनने का भी अधिकार होगा। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। मानसा जिले के 3 दर्जन आरओ प्लांट बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते लोगों के सामने शुद्ध पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। मानसा में शुद्ध पेयजल सप्लाई की खातिर आरओ प्लांट लगाने वाली एक निजी कंपनी ने सरकार के साथ किए इकरार से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से लोगों को शुद्ध पानी मुहैया करवाने वाले आरओ प्लांट सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। मानसा जिले के 3 दर्जन गांवों में आरओ प्लांट पर ताले लगे हैं, जिसकी वजह से लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों के मुताबिक पिछले 1 महीने से ये प्लांट बंद पड़े हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक आरओ प्लांट एक प्राइवेट कंपनी चला रही थी, लेकिन अब कंपनी ने रेट बढ़ाने की खातिर प्लांट को बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनको पीने के पानी की समस्या सामने आ रही है। लोगों की मांग है कि सरकार कंपनी के साथ मामले का निपटारा करे। पहला तो 2 रुपये पानी जड़ा है 20 पैसे लीटर देवांगी, ओदा रेट भी बढ़ाना है, तो उस तो बाद एदा रेट महंगा करने जिहड़ियां कंपनियां ने जवाब दिता है, हुण होर महंगा भार दियां, होर महंगा करके मतलब बेचना चाहुंदे ने। कंपनी रेट बढ़ाउण दी बजाए मारी इह आरओ बंद करनी चाहुंदी है। असीं तां प्रशासन तों इही मंग करदे हां कि इह कंपनी दे जल्दी कोई मामला हल करना चाहिए। लोगों का कहना है कि आरओ प्लांट लगने के बाद कई गांवों में वाटर वर्क्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब ना तो उनको आरओ का पानी मिल रहा है और ना ही वाटर वर्क्स का, जिसकी वजह से वो जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। कंपनियों का प्रचार सी, कंपनियों नाल गलत समझौता होया सी, बोतल बंद पानी बेचना सी, उन्होंने पानी महंगा बेचना सी, हजारों की गिनती दे विच वाटर वर्क्स ने जिहड़े वो बंद करते। मैं भिखी तो हाँ, ਭਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 4-5 ਆਰ ਓ ਸਾਡੇ ਭਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ आरओ का पानी चलाने लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए जाएं। उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। कैमरामैन भूपेंद्र सिंह के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। बीजेपी के संगठन सहमंत्री शिव प्रकाश 3 दिन के हरियाणा दौरे पर हैं। इस दौरे पर शिव प्रकाश सरकार और संगठन का फीडबैक लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सहमंत्री शिव प्रकाश यहाँ पर हरियाणा निवास में बैठक ले रहे हैं, और अगर हम बात करें जो ये बैठक है 4 चरणों में सुबह से ही यहाँ पर चल रही है। पहले चरण में जितने भी विधायक हैं उनके साथ बैठक हुई है और विचार विमर्श किया गया है कि पिछले 22 महीनों में प्रदेश सरकार ने क्या क्या काम किया है और उस काम का आम जनता तक कितना फ़ायदा पहुंचा है, उसको लेकर चर्चा की गई। उसके बाद हम बात करें जो दूसरा चरण है उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत की गई और उन पर भी इसी इश्यूज को लेकर बातचीत की गई है। साथ में अगर हम बात करें क्योंकि 1 नवंबर को हरियाणा में स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी, तो उसके लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि जो योजनाएँ हैं उन योजनाओं को कैसे उनमें अमलीजामा पहनाना है उसको लेकर चर्चा की गई। संगठन की बातें, संगठनात्मक बातें, संगठन क्या कर रहा है, किस तरीके से आपस में हम लोग जो कार्य करते हैं उस संगठनात्मक जितने भी कार्य हैं उनके रिव्यू के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, नई बातों को करने के लिए। अभी हमारी गोल्डन जुबली भी आ रही है, स्वर्ण जयंती भी आ रही है, उसके बारे में भी कुछ चल रहा है। सेंटर की जितनी योजनाएं थी उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए विधायक की एक आज विधायक की मीटिंग हुई, उसके अंदर पूरी 70 जो योजनाएँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हैं उन योजनाओं को किस प्रकार से हम गाँव गाँव तक, शहर शहर तक लोगों को पहुँचाएँ, इसके बारे में। अगर हम बात करें तीसरे चरण में जो सांसदों के साथ है वो बैठक की गई है, और चौथा जो चरण होगा उसमें जो बीजेपी की कोर कमेटी है उसके साथ बैठक की जाएगी। खासतौर पर अगर हम बात करें पिछले 22 महीनों में जो प्रदेश सरकार ने काम किया है उस
कामकाज का आम जन तक कितना असर पहुंचा है और संगठन कैसे मजबूत किया जा सके, इन्हीं को लेकर जो चर्चा है वो यहां पर की जा रही है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हिसार में हरियाणा सरकार के जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनवारी लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का भरोसा दिया, लेकिन ज्यादातर लोग निराश दिखे। ये तस्वीरें हिसार के पंचायत भवन में बुधवार को आयोजित हुए जिला लोक संपर्क जन परिवार समिति की मासिक बैठक की हैं। इस बैठक का आयोजन 4.5 महीने बाद हो रहा है। बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई थी, लेकिन अधिकतर फरियादी मायूस ही नजर आए। गांव टोकस की रहने वाली इस महिला की समस्या सुनिए। 2014 से मेरा 376 और 420 का केस है। पहले तो मैंने अप्लीकेशन लगाई, पुलिस ने FIR ही दर्ज नहीं की। 5-6 महीने चक्कर काटने के बाद जब FIR दर्ज हुई तो वो 1 महीने बाद ही मनीषा चौधरी DSP थी, उसने कैंसिल कर दी। मेरा केस इंक्वायरी से ही निकाल दिया। फिर उसके बाद में हाईकोर्ट जाके मैंने ये केस रीओपन करवाया। अब 1.5 साल से क्राइम ब्रांच में चल रहा है। सारी इंक्वायरी भी कम्प्लीट हो चुकी है, रिपोर्ट्स भी मेरे हक में, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि क्या पता इंसाफ हो जाए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं इंसाफ की लड़ाई बीच में नहीं छोड़ूंगी। BJP ने आपातकाल के दौरान जेलों में गए लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी भी देश की आजादी के नायकों के परिवारों की उपेक्षा की जा रही है। बैठक में हिसार के पूर्व स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानचंद की बेटी कमलेश भी शिकायत लेकर पहुंची। बैठक में कृषि अधिकारी पर रिश्वत मांगने को लेकर शिकायत आई। इसके अलावा एक शख्स इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी और उसके बेटे ने उसे मृत दिखाकर उसकी जमीन हड़प ली। इन तमाम समस्याओं को सुनने के बाद मंत्री महोदय ने समाधान का भरोसा दिया। आज की मीटिंग में जो भी परिवाद आए उनको हमने लोग सुना और सुनने के बाद जो भी उचित कार्रवाई उसके लिए लोगों को आश्वासन दिया और ज्यादातर शिकायतें डिस्पोज ऑफ की हमने। मंत्री जी ने भरोसा तो दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान कब और कैसे होगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या अधिकारी इनकी सुनेंगे। हरेराम मिश्रा, जी मीडिया, हिसार।